इसके अलावा तो कहीं खाएं काफी जगह, ये जायका नहीं है ना ये क्वालिटी है। मैंने फर्स्ट डे इनसे लिया था तकरीबन आज से 5 साल पहले, तो अब मेरी रोज़ की रूटीन ये बन गई है कि मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम रेफ्रेशमेंट जो शाम की करते हैं वो इनके अंडे वाले बर्गर से हमारी शुरू होती है। मेरी तरफ से था मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद रजस्वानी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कराची। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेडरल वीरिया ब्लॉक 17 में और ये इलाका अंचोली के नाम से मशहूर है। यहाँ एक फ़ास्ट फूड की शॉप है जो वैसे तो सारी चीज़ें यहाँ की अच्छी होती है, लेकिन इनकी ख़ास बात जो है वो अंडे वाला बर्गर है। मैं अपने कैमरा मैन मुताहिर से कहूँगा ज़रा ये अंडे वाला बर्गर दिखाएं। यहाँ दोपहर 3 बजे के करीब ये जो शॉप है खुलती है और रात गए तक ये शॉप जो है चलती रहती है। और ख़ास बात यह है कि इसमें वैसे सारे खाने इनके साफ़ सुथरे और बहुत स्पेशल होते हैं, लेकिन जो अंडे वाला बर्गर होता है उसकी बहुत ही ख़ास जायका होता है। और मैं ख़ुद ये जो बर्गर है कम से कम 7-8 साल से यहाँ पे खा रहा हूँ और बल्कि इससे ज़्यादा वक्त हो गया, क्योंकि इनकी शॉप को भी काफ़ी वक्त हो गया है। और जो अंडे वाला बर्गर है उसकी बहुत स्पेशल चीज़ है, इसका जो कबाब है वो बहुत जायकेदार होता है, ख़ासकर जो इसमें मसाला यूज़ करते हैं, जो इनकी रायता होता है, जो इनकी चटनी होती है, वो एक बड़े काले अजीब ही जिसे कहते हैं कि टेस्ट होता है। और इस कीमत में इस जायके वाला अंडे वाला बर्गर, मेरा ये दावा है क्योंकि मैंने शहर में बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा टेस्टी 130 रुपये का ये जो बर्गर है जो बेचते हैं अंडे वाला। बाज़ लोगों को लगेगा यार ये अंडे वाला बर्गर बहुत महंगा है 130 का, बाज़ जगह तो 100 रुपये में मिल जाता है, 90 मिल जाता है, लेकिन ये टेस्ट, ये लेवल, ये मेयार आपको 130 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा। इसके जो ओनर हैं वो 4-5 भाई हैं, उनमें से एक भाई से बात करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि उन्होंने इस काम का आगाज़ कब किया, कौन कौन शामिल है और क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे फ़रोख करते हैं। सुपर गए मैं इन चोली पे, हमारी शॉप है तो माशाल्लाह से अल्लाह ने बहुत बरकत डाली है, माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं लगातार और सफाई का खास तौर पर ख्याल रखते हैं। हाँ, सामने बेकरी के आगे थोड़ा छोटा सा काउंटर लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब माशाल्लाह 2 दुकानें हो गई सामने उनके, बिल्कुल बेकरी के बिल्कुल सामने कॉर्नर की दुकान है गुलाब 17 में। शुरू में ये अंडे वाला बर्गर शुरू स्टार्ट किया था, अब तो माशाल्लाह फास्ट फूड के पूरे आइटम अपने पास है, माशाल्लाह जिंगर बर्गर, चिकन, बीफ, रोट, कलासा में सब है माशाल्लाह। अभी पहले 50 रुपये का अंडे वाला था 15 साल पहले, सर अब 130 के नहीं अंडे वाले बल्कि अंडे शामी डलते हैं इसमें जो हमारा अपने हाथ का बना हुआ है, और अंडा डलता है, सलाद वगैरह रायता, केचप, माइस भी अच्छे वाले होते हैं, केचप भी अच्छे वाला होता है, घी भी हमारा अच्छे वाला इस्तेमाल करते हैं, तलो इस्तेमाल करते हैं। अभी अभी कैमरे मैन आपको दिखाया है कि तलो डाला हमने, सीधे से बनाते हैं और अच्छे बनाते हैं, कोशिश करते हैं, हर चीज़ एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, मसाले वसाले हर चीज़ अपने हाथ के बने हुए मसाले हैं, इसमें जो कबाब शामी में डलते हैं। पहले बड़े भाई ने शुरू किया था, बाद में मैं आ गया, अब माशाल्लाह चारों भाई इसी काम में लगे हैं। फिल्म
माशाल्लाह से मैं तो एक तो सरकारी मुलाजिम हूँ और सेकंडली ये कि रिहाइश मेरी थोड़ी दूर है। मैंने फर्स्ट डे से लिया था तकरीबन आज से 5 साल पहले, तो अब मेरी रोज़ की रूटीन ये बन गई है कि मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम रेफ्रेशमेंट जो शाम की करते हैं वो इनके अंडे वाले बर्गर से हमारी शुरू होती है। तो तकरीबन 5 साल मुझे तकरीबन हो गए यहाँ पर। ख़ास बात ये है कि हर चीज़ जेन्युइन है इनके पास, खालिस है इनके पास, मतलब ऑयल भी सही है आपका, एग भी सही है इनका, अंडा भी सही है इनका, और बाकी जो सलाद वगैरह डालते हैं वो भी अच्छी होती है इनकी। और प्लस ये है कि रश भी अच्छा होता है इनके पास, क्राउड होता है इनके पास ना, और रेट भी बहुत मुनासिब है इनके ना। फिर ये है कि मजलिस मातम का अगर कोई प्रोग्राम हो या कोई नजर न्याज का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें बहुत कॉपरेट करते हैं। तो बहरहाल ये है कि मेरी तरफ से था मैं ये जायके में बहुत अच्छा है इसका बर्गर। इसके अलावा तो कहीं खाएं काफ़ी जगह ये जायका नहीं है ना ये क्वालिटी है। जायके में ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसी वजह से हम इसके पास आते हैं। बहुत अच्छा बर्गर है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और 100 रुपये में अंडे वाला बर्गर, 120 रुपये का अंडे वाला और सादा 100 रुपये का मिलता है। बहुत अच्छा है, हमारे हफ्ते आते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं बर्गर खाने की। हाँ, अंडे वाला बर्गर है अच्छा इनका, डबल ये डबल लेयर वाला इनका बर्गर है, वो भी अंडे वाला अच्छा है। और ये अभी जो है ना ये अभी खा रहे हैं सिर्फ जस्ट अंडे वाला बर्गर, बेहतरीन है, टेस्ट अच्छा है। जब भी हम यहाँ आए और सुना था हमने, पहले हमारे भाई हो के गए थे और ये अभी हम आए इनके साथ जब ये वाला खाने ना, लेकिन है अच्छा है, इसके सुना है कि बड़े अच्छे हैं। माशाल्लाह बर्गर तो बहुत अच्छा है यहाँ का, हम लोग डेढ़ साल से यहाँ पर खाने आ रहे हैं। माशाल्लाह सब खाया लगते हैं, अच्छी तरह देते हैं इनका, मतलब चटनी भी अच्छी है, अंडे वाला भी अच्छा होता है, सादा भी अच्छा होता है, इनका सब चीज़ें अच्छी होती हैं। ये बहुत पहले से लगाते हैं, हमें तो अभी 1.5 साल हुआ है पकाते हुए, मगर हम बहुत बहुत टेस्टी, हम तो इनसे खाते हैं, तब भी खाते हैं।